खैर मुझे बताओ, जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो माशाल्लाह यू लुक गुड लुकिंग मैन, ठीक है, वेरी गुड लुकिंग, आगे पीछे हर जगह से ऊपर नीचे से गुड लुकिंग, आई जस्ट ऑब्जर्व्ड यू। बट या कोई प्यार शेयर हुआ है, कोई गले में अटकी, कोई स्टॉकर बनाए, कोई ऐसा फैन मोमेंट, प्यार हुआ उससे शादी कर ली, हाँ, और बाकी नहीं वो तो पता है, लेकिन उसके बाद यार होते हैं, इंटरनेट पे दे गिव यू अनकंडीशनल लव समटाइम्स इफ इट गोइंग लाइक आउट ऑफ कंट्रोल, या ऐसा लगने लगता है कि यार ये इज गोइंग समवेयर एल्स। कभी ऐसा हुआ है देख के डिलीट कर देना? आई जस्ट स्टॉप, ऐसे बहुत, मैं बहुत दफा ऐसा करता हूँ, मैं जवाब नहीं देता उस कन्वर्सेशन को, आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि भाई ए तो कुछ किसी का पता नहीं है कि कौन क्या, एक फॉरन स्क्रीन शॉट्स और चीज़ें, और ये आई रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एवरीथिंग, लेकिन कहीं कहीं उस कन्वर्सेशन को स्टॉप करना पड़ता है टू जस्ट होल्ड इट, होल्ड इट, हाँ, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या पकड़ना होता है, सिर्फ कॉन्वर्सेशन। क्या पकड़ना है? क्या आपका डेब्यू माशाल्लाह महमूदाबाद के मकाम में हुआ था? मैं सज्जल सबूर, यस, हम तीनों साथ आए थे। तो हाउ इज दैट? And I believe three of you guys are doing great. यार बड़ी फनी इसमें मज़े की बात यह है कि जब मैं तरंग शो मेरा ख़त्म हुआ तो मैं लाहौर चला गया सैयद नूर की फिल्म करने, प्राइस ऑफ ऑनर, जो मुख्तार हमाई के ऊपर बनी थी। तो जब वो तरंग की प्रोडक्शन थी सारी, तो जब मैं करके वापस आया तो मैंने फिल्म करके आया हूँ मैं तरंग विनर, तब तो फ़ोन तो ऐसे बजेंगे और ड्रामे और ये वो सब, फट जाओ करीब में, मुझसे बात नहीं करो। दो तीन महीने हो गए, नोबडी कॉल्ड मी फॉर एनीथिंग, एनी प्रोजेक्ट, नथिंग। मैंने कहा ये क्या बकवास, कान ही बज रहे होंगे, फोन आया, हाँ फोन आया। हुमायूं भाई हमारे शो पे आए थे शतरंग पे, तो हुमायूं भाई के पास मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हुमायूं भाई, हुमायूं भाई ने कहा मुझसे मिलो आगे, मैं हुमायूं भाई के पास गया हूँ, तो हुमायूं सईद एक्चुअली गिव मी द फर्स्ट ब्रेक ऑन स्क्रीन आफ्टर द शो महमूदाबाद की, बल्कि उन्होंने कहा हाँ तुम्हें ड्रामे में काम करो। तो इस तरह से होता है कि आप कभी कभी बहुत बड़े रियलिटी शो को करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी यहाँ पे अचानक से लोग भूल जाते हैं। हमारे यहाँ वो वाला मामला नहीं है ना कि आप एक ब्रांड बन गए तो आप एवरीबॉडी विल वर्क विद यू, हाँ बस वो बोलते वो तो कहते हैं यार वो उस चैनल का शो था, हाँ। उस चैनल के लड़के हैं, हमारा मसला नहीं, ये लॉबी सिस्टम बहुत टाइट है, इस लॉबी सिस्टम ने तो हमारी फिल्में बर्बाद कर दी, उस चैनल की फिल्म है, उस चैनल की फिल्म है, उस चैनल की फिल्म है, फिल्म तो फिल्म होती है, फिल्म इज़ अ बिगर मीडियम, फिल्म तो सबकी होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ फिल्म बने तो हर चैनल उसका ट्रेलर चलाए, हाँ, ताकि उसको बिजनेस मिले। वैसे इंडिया 80 सिनेमा है टोटल इस मुल्क, हाँ। में 22 करोड़ की आबादी है, उसमें से 80 सिनेमा में 1200-1700 रुपए के टिकट हैं, तो एक काम करने वाला, एक रेड़ी लगाने वाला, एक पान की शॉप वाला, वो कहाँ से जाएगा मुझे बताओ फिल्म देखने के लिए? ये भी बात है, 1000 रुपए की फिल्म का तो सिर्फ टिकट है ना, फिर वहाँ तक पहुँचना, फिर पॉपकॉर्न, फिर पॉपकॉर्न और ये सारी चीजें, मतलब 10-15 हज़ार रुपए की फिल्म कौन देख सकता है यार आजकल के हालात में, जब यार ये बात, जब आपके मशहूर फूड चेन, फूड चेन की बर्गर्स में लेटिस तक नहीं आ रहा है, शॉर्टेज बिकॉज ऑफ द फ्लड, तो उन्होंने लेटिस हटा दिया, बर्गर का बन ही हटा देते, टॉपलेस बर्गर होता है, तुम इससे रिलेट करो, टॉप ही हटा दो, इट बिकम्स टॉपलेस, मोर रेटिंग, मोर रेटिंग, मोर रेटिंग, हर बंदा खाएगा क्यों टॉपलेस है बर्गर, वो खुश हो जाएगा। आई लाइक इट द वे यू सेल इट, है ना, आई आई कैन सेल एनीथिंग, आई विल सेल यू, शुड आई सेल यू, प्लीज प्लीज, हाउ आप गाइस, यू बहुत अच्छा है, बेच के दिखाओ, वेरी डीप, वेरी नाइस, जिम जाता है, स्टैमिना तो अच्छा ही होगा ना, जूते बड़े अच्छे पहनते हैं, जूते उतारते हो या 24/7 पहने रहते हो? क्या जूता उतारना और जूता पहनने से फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है ना, ऑफ कोर्स, कि कुछ लोग यू नो हिप्पी की तरह घूमते हैं तो कुछ लोग जूतों के साथ घूमते हैं, तो जूते और क्या क्या होता है, मोजे उतारते हैं, मोजे, घड़ी उतरती है, Okay. चश्मा जो लगा के गए होते हैं वो उतारते हैं आप, अगर पुशअप करना होता है तो वो उतारते हैं, फिर चाय वाय पी के रिलैक्स करते हैं, फिर कुछ और उतारते हो चढ़ाते हो, नहीं सर्दियां होती तो एक जैकेट स्वेटर पहन लिया घर में, ओके, हाँ, वरना तो जरूरत नहीं पड़ती, ओके ओके ओके, वेरी नाइस, आप लोग ने इमेजिन कर लिया, ग्रेट, इतना अच्छा इन्होंने इमेजिन किया, हम ब्रेक पर जाएंगे, सबने नवीद को देख लिया, अब आंखें बंद करो और वो करो, एंजॉय करो, ब्रेक लो। Taxi cash.
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।